रोजाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोजाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोजाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज की नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नए तरीके का मोमोज। इस तरीके का मोमोज आप अभी तक नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं बना रही हूँ मोमोज। ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरीके का मोमोज मैं बनाई हूँ, इससे मैं नया लुक दी हुई मैं इसको। तो इस तरीके का बनता है हमारे गांव में, दाल का पिट्ठी बनता है। तो आप चाहें तो इस तरीके से भी बनाएं, नहीं तो जो सिंपली मोमोज बनता है उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो आइए हम नए तरीके का मोमोज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर मोमोज। जैसे कि आप सभी को पता है कि पनीर मोमोज खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और हम सब जब भी जाते हैं बाजार में कोशिश करते हैं कि पनीर मोमोज ही खाएं। तो पनीर मोमोज आप बाजार जैसा घर पे बना सकते हैं। तो मैं आज रेसिपी ये शेयर कर रही हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। लेकिन बिना देखे हुए आप हमारे रेसिपी को डिसलाइक ना करें, एंड तक देखें रेसिपी को, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में अच्छा लगने पे शेयर करें। ये देखिए हम कढ़ाई में एक छोटा चम्मच तेल डाल लिए हैं, और तेल हमारा जैसे ही गर्म होगा थोड़ा सा हम एक दो हरा मिर्च डालेंगे कटा हुआ बारीक। अब मिर्च को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारा हल्का सा मिर्च फ्राई हो रहा है उसमें हम डाल रहे हैं प्याज बारीक कटा हुआ, हल्के हम एक बार मिक्स करेंगे, और साथ के साथ हम बंद गोभी को भी डाल देंगे। जितना आप बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग डालें बंद गोभी। थोड़ा सा डालेंगे पीला शिमला मिर्च, और थोड़ा सा ग्रीन शिमला मिर्च, और थोड़ा सा घिसा हुआ गाजर, और थोड़ा सा रेड शिमला मिर्च। इन सब को डाल के हमें अच्छे से मिक्स करते हुए 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनना है। और आप देख सकते हैं हम 3-4 मिनट तक सारी सब्जियों को भुने हैं, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ गया है। इसका ध्यान रखिए जो सब्जी हम लिए हैं बिल्कुल बारीक काट के लिए हैं, इससे ये फायदा होगा कि आपका मोमोज भरने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और बहुत आराम से आप भर पाएंगे। और साथ के साथ हम डालेंगे इसमें जितना आप तीखा पसंद करते हो उतना लाल मिर्च। मैं हरा भी डाली थी तो उसी के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो ज्यादा डाल लें। और थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप एक बार बना के जरूर ट्राई करें। इस तरीके से मिक्स करेंगे, साथ ही में डालेंगे अजीनोमोटो। अगर आपको पसंद हो अजीनोमोटो तो डालें, वरना इसको डाले बिना भी बना सकते हैं आप। और साथ में हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को आप थोड़ा कम ही डालें क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। इन सब बातों को आप ध्यान में रखें। बाजार से हेल्दी मोमोज आप घर में बना के खाएं तो आप देख ही सकते हैं जो हमारा फीलिंग है कितना कलरफुल देखने में लग रहा है। अब हम क्या करते हैं कि लास्ट में डालेंगे पनीर को बिल्कुल बारीक वाला ग्रेटर से ग्रेट करके। ये देखिए मैं पनीर को इसी में ग्रेट कर ले रही हूँ। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा तो आपका मोमोज बहुत ही आसानी से भर जाएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अगर आपको हमारी रेसिपी के बारे में लिखित रूप में जानना है तो rozanakhana.com पे आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं रेसिपी में जो भी सावधानियाँ बरतनी होती है मैं लिखित रूप में दी हूँ, तो आप विजिट करके पढ़ सकते हैं हमारे rozanakhana.com में। ये देखिए मैं सारा पनीर को किस तरह से ग्रेट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें 250 ग्राम पनीर को घिस ली हूँ। आपको जितना हो सकता हो उसके अनुसार आप बना सकते हैं फीलिंग को। अब हम इसे करेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद में अब हमें इसे भूनना नहीं है बिल्कुल ही, फ्लेम को बंद करके ऐसे ठंडा करने का इंतजार करना है। बिना ठंडा किए आप अगर मोमोज को भरते हैं तो फटने का चांस रहता है, तो आप भी इसे ठंडा करें फीलिंग को, उसके बाद ही भरें। और ये देखिए हम 10 मिनट पहले मैदा को भून के रख लिए। मैदा में हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाले हैं और आधी छोटी चम्मच नमक डाले हैं, और इसे न ज्यादा सख्त और न ज्यादा नरम, इसे मीडियम हम भून के रेडी किए हैं। तो अब हम किचन स्लैब को बिल्कुल साफ सुथरा कर लेते हैं। इस पे रखेंगे अपना डो को और इस तरह से हाथों से एक बार मसलेंगे। ये देखिए मैं किस तरह से मसल रही हूँ। मैदा आपका बिल्कुल चिकना रहेगा तो उतना ही अच्छा आपका मोमोज बनेगा। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से गुनी हुई इसे। एक बार हम इसे कर लेंगे इस तरीके से, और एक बड़ा सा पेंदा काटेंगे या लोई। इस तरह से हमें इसे, आप देखिए किस तरह से मैं चिकना का बना रही हूँ इसे। और चिकना बनाते हुए यहाँ पे लाके इसे इस तरीके से कर लेना है, और आप चाहें तो इसी में दाब दें इसे, और दाब के इसे गोला बना ले बड़ा सा एक लोई। सूखा मैदा के हेल्प से इसे हम अपने हथेलियों पे लेके इस तरीके से बढ़ाएंगे, देखिए कि हमारा मैदा श्रिंक ना हो और अच्छे से बिल जाए। तो इसका अब हम रोटी बनाएंगे एक बड़ा सा, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा सूखा मैदा मैं और लगाऊंगी, ऐसे रखूंगी किचन प्लेटफॉर्म पे। आप चाहें तो चकला पे भी बेल सकते हैं, और हल्का सा बेलन में भी
हम लगा लेंगे मैदे को, ऐसे हम घुमा घुमा के अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए कितना आसानी से बेल जा रहा, बिल्कुल सावधानी पूर्वक बेलन को बराबर चलाएं, तो इसलिए होगा जो रोटी आपका बड़ी है तो बिल्कुल बराबर बेलेगी और एक साथ में आप 7-8 मोमोज का पूरियां रेडी कर पाएंगे बना के। ये देखिए मैं किस तरह से घुमा रही हूँ, जबकि ये मैदा है श्रिंक करता है तो थोड़ा सा ज्यादा बेलना पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख पा रहे होंगे हमारा रोटी कितना अच्छा घूम रहा, तो आप बिल्कुल इक्वल बेले। और जो हमारा रोटी आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज का हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे या गिलास लेंगे या कुकी कटर लेंगे, जो भी आपके पास हो आप उससे काट सकते हैं। तो मैं ले रही हूँ कटोरी, इसी से इसका शेप दूंगी मैं, छोटा छोटा पूरियों का शेप देना है हमें। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे पकड़ के घुमा दे रही हूँ, तो ये कट जा रहा बिल्कुल आसानी से। और आप देख पा रहे होंगे एक साथ में हमारा कितना सारा पूरी तैयार हो गया। अब हम इसे ऐसे निकाल लेंगे इस तरीके से, और निकालने के बाद इसका जो हमारा निकला है इसे फिर से लोई बना के और फिर से इसे हम पूरी बेलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा पूरी का थिकनेस है, ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा और बेल के इसे बड़ा करेंगे। तो इसे रखते हैं हम साइड में और दूसरा लोई करके फिर से बड़ा सा रोटी बना लेते हैं पहले और काट लेते हैं। एक ही साथ में हम ढेर सारा मोमोज बना सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको हमारी बनाई गई रेसिपी पसंद आ रही है तो इसके नीचे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का आइकन है उसे जरूर क्लिक करें। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैं दो साइज की पूरियां रेडी कर रही हूँ, एक बड़ा एक छोटा, यानी कि मैं दो साइज का मोमोज बनाऊंगी। एक पूरी को उठा रही जो हम काट लिए हैं, उसे हल्का सा मैदा में लगाते हुए और इसे हमें बेल लेना है, ज्यादा पतला ना हो ना ज्यादा मोटा हो। तो मैं दो साइज का पूरियां रेडी कर रही हूँ बेल बेल के। ये देखिए इस तरीके से हमें बेलना है, एक में छोटे आकार का बनाऊंगी एक बड़े आकार का बनाऊंगी मोमोज, तो उसके लिए मैं बेल के रेडी कर ले रही हूँ। देखिए सबसे पहले हम एक बड़ा पूरी को लिए हैं, उस पर डालेंगे अपना फिलिंग को। अब फिलिंग को हम बिल्कुल इक्वल कर लेंगे, अब फिलिंग को हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे फिलिंग जो हमारा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे पूरी को, हम यहाँ से उठाएंगे और इस तरीके से इसका चोंच निकालते हुए यहाँ पे दबा देंगे, और फिर यहाँ से उठाएंगे और चोंच को दबा देंगे। इन दोनों चोंच को लाके यहाँ पे हम दबा देंगे, ये देखिए। और फिर हम जो ये पोर्शन है हमारा, इसे भी हम ये लाके यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर रहे हैं और यहाँ पे लाके ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, लाके इसे हम दबा दे रहे हैं। इस तरह से बनाने पे बहुत ही अच्छा लगता है मोमोज। इस तरीके से हमारे गांव में दाल पीठा बनता है, जो कि दाल में डुबो के बनता है, उसे दाल का दुल्हन कहा जाता है, लेकिन मैं इसे आपको मोमोज में डिजाइन दे रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे लाके हमें अच्छे से चिपका लेना है, तो आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है देखने में हमारा मोमोज। तो इसी तरीके से हम दूसरा मोमोज बनाते हैं, तो इसे रख लेते हैं प्लेट में और दूसरा पूरी को हम लेते हैं और सेम प्रोसेस से हम पूरी को एक रखेंगे। देखिए मैं दोबारा आपको बना के दिखा रही हूँ, और फिलिंग को हमें डाल के अच्छे से इकट्ठा कर लेना है, इधर उधर फैलेना। और मैं किस तरह से बना रही हूँ आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हम देखिए ये पर्शन को पकड़ रही हूँ, ये देखिए, और इस पर्शन को पकड़ रही हूँ, ला के यहाँ पे हम चिपका दे रहे हैं, ये देखिए चिपक गया ये। और फिर हम इस पोर्शन को पकड़ रहे हैं और इस पोर्शन को पकड़ के, और ये देखिए यहाँ पे ला के ऐसे हमें चिपका लेना है। तो ये हमारा मोमोज जो है इस तरीके से बन जाएगा, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है हमारा मोमोज। उसी तरीके से हम सारा मोमोज को बनाते हैं और रेडी करते हैं स्टीम करने के लिए। और ये देखिए जिसमें मोमोज स्टीम करते हैं उसमें हम पानी डाल लिए, आधा पानी डाल रहे हैं, आधा से कम ही है, ऐसे गर्म कर ले रहे हैं। और ये जो स्टीमर है जिसमें जाली जाली बना है आप देख सकते हैं, इसमें हम अच्छे से ग्रीस कर लिए हैं कोई सा भी वेजिटेबल ऑयल से। अब हम क्या करेंगे, जो हम बना के रखे हैं अपना मोमोज उसे हम इसमें रखेंगे, बिल्कुल केयरफुली रखें, और रखने के बाद हम इसे अच्छे से बैठा लेंगे और ढक्कन से
ढक देंगे और इसे 15 मिनट के लिए हम फुल फ्लेम पे चढ़ा देंगे स्टीम होने के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 15 मिनट के बाद। 15 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे तो यहाँ पे हमारा मोमोज रेडी है, तो मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मोमोज है बन के बहुत ही अच्छा लजीज रेडी है। तो ऊपर से मैं हरा धनिया का गार्निश कर ले रही हूँ, इससे थोड़ा देखने में और अच्छा लगेगा। तो आप सभी को अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसके नीचे लाइक ज़रूर करें और साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का आइकन है उसे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी में। तो इसी तरह का मोमोस आप घर पर बनाएँ और खाएँ और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारी मोमोज की रेसिपी कैसी लगी। तो हम मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए बाय बाय।